हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज डीसीएम 32 केमिस्ट्री का 11वां पेपर, इसके सॉल्यूशन को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड, कौन सा है जो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम में आता है। तो अगर इसको देखें तो पहला दे रखा है एसीटेटाइन, तो CH3CO-, ये आपका एसीटेटाइन है जो कि कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा दे रखा है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन कौन सा है, ये, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट थायोसाइनेटो SCN, तो सल्फर दे सकता है, नाइट्रोजन दे सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर साइट काम में आती है और दोनों डोनर साइट डिफरेंट है, तो ये एम्बीडेंटेड है बट मोनोडेंटेड लिगेंड। EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, CH2CH2 एन CH2COO-, CH2COO-, ऑक्सिलेटो को हटा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इधर आ जाइए CH2CO-, CH2COO-, तो देखिएगा 2, 3, 4, 5 और ये 6 डोनर साइट है, तो ये हेक्साडेंटेड है, तो अपना आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिएगा ये बाइडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड अकेला कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2, ऐसे कितने बाइडेंटेड है, 2 है। ब्रोमिडो, ब्रोमाइडो आपका एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसे कितना लिगेंड है, ये रहा, ये आपका क्या है, मोनोडेंटेड, राइट, तो ये कितने है, 2, तो 2 2 4 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये आपका काउंट्राइन है, क्लियर, ये ध्यान रखना लिगेंड नहीं है ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, देखो वर्नर ने दो प्रकार की वैलेंसी बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी एंड दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज बैलेंस्ड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, क्लियर। अगर इसी चीज को एग्जांपल से समझना चाहें तो CO Cl3.6H2O, अगर मैं यहां पे ले लूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोबाल्ट जब भी +3 में आता है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज बैलेंस बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये रहा, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, जितनी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है इसकी, 6, तो 6 न्यूट्रल स्पीसीज है। अगर आवश्यक नंबर में न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है देन प्राइमरी वैलेंसी एक्ट एज सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर, तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी का काम करने लगती है, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये प्राइमरी वैलेंसी आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के हमेशा बाहर रखी जाती है। तो यहां से बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये आयनाइजेशन स्फीयर हो गया, और ओनली आयनाइजेशन स्फीयर इन्वॉल्व्ड इन आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में सिर्फ आयनाइजेशन स्फीयर ही आपका इन्वॉल्व होता है, तो ये आपका यहां से आयनाइज हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, फॉल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ कैन नॉट बी आयनाइज्ड, ये भी गलत है, सेकेंडरी तो आयनाइज नहीं होती लेकिन प्राइमरी तो आयनाइज होती है ना, ओनली प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट बी आयनाइज्ड, गलत बात, होती प्राइमरी है आयनाइज्ड, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, आपको यहाँ पे हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल देखना है, तो पहला दे रखा है 2,2-डाइपिरिडिल, तो आपको पता हो ये पिरिडिल हो गया, बाइपिरिडिल बना दो, 2,2 मतलब सेकंड कार्बन से अटैच, सेवन नंबर से ये क्या हो जाएगा,
अटैच हो जाएगा, ये लो। तो ये आपका कैसा है बाइपिरिडिल, बाइडेंटेड लिगेंड है, आपको कैसे बताने हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड बताने हैं। तो फर्स्ट वाला तो बाइडेंटेड हो गया, फर्स्ट वाला तो आपका क्या हो गया, बाइडेंटेड। फिर डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, ये रहा आपका डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, यहां पे लोन पेयर डोनर का काम कौन करेगा भैया, नाइट्रोजन करेगा, ये लोन पेयर डोनर का काम कर रहा है, कैसा है ये, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये भी आपका बाइडेंटेड आ गया। फिर आता है एमिनो डाई एसिटेट, पहली बात तो इसको एमिनो नहीं इमिनो कर लेना, कैसे, हमेशा ध्यान रखो ये तो होता है एमिनो, ये इमिनो, और ये आपका होता है नाइट्राइलो, राइट, एमिनो इमिनो एंड दैट इज नाइट्राइलो, राइट। तो इसका बनाए इमिनो डाई एसिटेट होगा, तो इमिनो डाई एसिटेट हो अगर मैं बनाना चाहूं तो इमिनो डाई एसिटेट हो, ये रहा एन एच, दो फ्री वैलेंसी बताई थी ना इमिनो में ऐसे, तो यहां पे डाई एसिटेट हो, एसिटेट ग्रुप जुड़ जाएगा दोनों जगह पे ही, ये आपका हो गया डाई एसिटेट हो, इसके पास लोन पेयर है, तो ये और दैट, ये तो ये तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो आपका ये कैसा है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, और ये ईडीटी अभी बताया था इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेट, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, हेक्साडेंटेड हो जाएगा, राइट, अभी तो किया था ना इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर, लिगेंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या करता है, तो जो लिगेंड होता है इसके पास लोन पेयर डोनर होता है, ये तो लोन पेयर है, मेटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करता है अपना लोन पेयर इसके साथ दे देता है, मतलब इनके बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग बीपीटी, ये तो लोन पेयर दे कौन रहा है वो, यहां पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये लोन पेयर ले रहा है, जो लोन पेयर लेता है वो एक्ट एज लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ये एक्ट एज ए लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर इज नोन एज लेविस बेस, लोन पेयर डोनर को किस नाम से जानते हैं अपन, लेविस बेस के नाम से, क्लियर। तो आ जाइए यहाँ पे, एनाइन लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ए सेंट्रल, देखो लिगेंड होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और चार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मतलब केटाइन भी हो सकता है और एनाइन, जैसे एनओ प्लस नाइट्रोसोनियम, ये केटाइनिक है, लेकिन आपका किसकी तरह काम में आता है, ये काम में आता है किसकी तरह से, आपके न्यूट्रल लिगेंड की तरह, कैटायनिक लिगेंड की तरह से, जैसे अपन बात करें H2O मॉलिक्यूल की, ये न्यूट्रल है, काम में आता है एज ए लिगेंड, बात कर लेता हूं मैं साइनाइड की, काम में आता है ये एज ए लिगेंड, तो हमेशा ध्यान रखना लिगेंड स्पीसी न्यूट्रल भी हो सकती है और चार्ज्ड भी हो सकती है, तो अपना ऑनसोन कौन सा, ये रख, आयन और मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल के साथ आयन, आयन बोले तो या तो कैटायनिक या एनायनिक, या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब यहां ये बात कर रहा है न्यूट्रल स्पीसीज, तो बिल्कुल लिगेंड ये तीनों ही हो सकती हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ती है मेटल के साथ, तो आपका कौन सा आंसर रहेगा, फोर्थ आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाइए, The number of ions formed when cupramonium sulfate, cupramonium sulfate की बात करें तो इसकी बात कर रहा है CuNH3 4, यह आपका क्या हो गया सल्फेट, अगर इसको एक्वस मीडियम में लेके जाओगे तो ये लो कुछ ऐसा ये टूट जाएगा प्लस सल्फेट आयन, तो एक तो ये और ये के कितने आयन देंगे, दो आयन देंगे, तो ये लो आंसर किसका आ गया, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेटल विच डज नॉट फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कौन नहीं बनाता है, क्रोमियम नहीं बनाता है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, बाकी तो ये पॉलीन्यूक्लियर बनाते थे MN2O10, ये
CO2 CO8 बना देता है, इसका भी आप पॉलीन्यूक्लियर बना सकते हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट, लेविस के अनुसार लिगेंड क्या होते हैं, अभी बताया था लेविस बेस होते हैं, तो ये आएंगे बेसिक इन नेचर, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म, कौन सी मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से किया जा सकता है, तो वो आपकी एजी होगी। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल दैट इज अर्जेंटाइट ओर, ये एक अर्जेंटाइट ओर है, क्लियर। अब इसका क्या करवाया जाएगा, NaCN के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो NaCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका बनाएगा NaAgCN, तो एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, साथ में क्या बनेगी Na2S। अब ये क्या करता है, रिएक्शन को वापस पीछे ले आता है, रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन, तो इसको रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए O2 की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो ये चेंज हो जाएगा Na2SO4 में, अब रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड होगी। अब ये तो पीपीटी के रूप में अलग हो जाएगा, और ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है जो आपका फिल्ट्रेट आ गया, इसमें सम पीसेज ऑफ जिंक, जिंक के कुछ टुकड़े इसमें मिला दिए जाएंगे, तो जिंक मोर रिएक्टिव है इससे, तो इसको डिस्प्लेस करके जिंक इसकी जगह ले लेगा, CN4, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, वाटर सोल्यूबल है कॉम्प्लेक्स है, साथ में क्या बन जाएगा यहां पे AG, तो AG आपकी यहां से प्योर फॉर्म में आ जाएगी, राइट। तो AG का एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से, देखो दो बार कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ये रहा, जब फेरस साइनाइड की रिएक्शन अपन 4KCN के साथ, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, दो नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो एडिशन सॉल्ट बनता है, तो K4FeCN6, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें और ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते तो डबल सॉल्ट है, और आइडेंटिटी लूज नहीं करे इसका मतलब दैट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया, इसने अपनी आइडेंटिटी बनाई रखी, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो आ गए ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उनका आयनाइजेशन नहीं हुआ, इट मींस दैट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरो का मतलब है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेज में होगा, तो ये प्लस टू में है, राइट। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द प्रॉपर्टीज ए रिड्यूसिंग बी ऑक्सीडाइजिंग सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज शो बाई साइनाइड, तो आपको पता है साइनाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पता है ना आपको साइनाइड आपका क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आपका फेरिक आयन की इससे रिएक्शन करवाते हैं तो उसको फेरस में बदल देता है, उसका रिडक्शन कर देगा ये, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा एज ए लिगेंड काम में आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करता है, तो इसकी दो नेचर हो गई, कौन सी कॉम्प्लेक्स बनाना, और एक कौन सी हो गई आपका रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जनरली ए ग्रुप ऑफ एटम कैन फंक्शन एज ए लिगेंड इफ, जनरली ए ग्रुप ऑफ एटम्स, जनरली क्या होता है एटम्स का एक ग्रुप कैन फंक्शन एज ए लिगेंड, जो लिगेंड की तरह काम में है, तो वो आपका चार्ज्ड स्पीसीज हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, तो ये रहा, दे आर आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली, अगले ने जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला, क्योंकि कई बार क्या होता है केटाइन भी आपका एज ए लिगेंड काम में आता है, जैसे ये NO2+, ठीक है, नाइट्रोसोनियम हो गया, नाइट्रोनियम हो गया, इसके अलावा जैसे हाइड्रोजीनियम हो गया, समझ रहे हो, ये लिगेंड की तरह काम में आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली जनरली अपन बात करें तो आपके एनाइन और न्यूट्रल जो स्पीसीज होती है वो एज ए लिगेंड काम में आती है, तो इसलिए अगले ने जनरली वर्ड काम लिया, तो अपन तीसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जी कोई। नेक्स्ट अपन बात करें, इफ द कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट द लिगेंड इज, तो देखिएगा लिथियम टेट्राहाइड्रो, अब ये कॉम्प्लेक्स एक साथ लिखा हुआ है, तो ये लो LiAlH4,
तो यहाँ पे एज ए लिगेंड कौन आ रहा है? हाइड्राइड, सॉरी। तो यहाँ पे लिगेंड का काम कौन कर रहा है भाई? हाइड्राइड लिगेंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट एट 298 केल्विन? एक चीज हमेशा याद रखो, जब मेटल की रिएक्शन लिगेंड के साथ करवाई जाती है, मान लो एन लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इस पर कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस एक्स, ठीक है, हो सकता है जीरो हो चार्ज। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो यहां से एनर्जी जो रिलीज होती है, के फॉर्मेशन होगी, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये बनेगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो के फॉर्मेशन को ही अपन क्या बोल सकते हैं? के स्टेबिलिटी। इसके अपोजिट जब ये वापस टूटता है तो इसको बोल सकते हैं के डिसोसिएशन। खैर, आपको पूछ रहा है ये ज्यादा कब होगी, तो ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी? एक तो लिगेंड की स्ट्रेंथ पे, लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने का मतलब उसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हाई होगा। तो यहां से आ जाइए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर इनकी पोजीशन देखें, आयोडाइड सबसे वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग ब्रोमाइड है, इससे स्ट्रॉन्ग क्लोराइड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? साइनाइड। तो साइनाइड कॉम्प्लेक्स इसमें है ना, तो ये इसके लिए स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट, ट्रांस ब्लू इज ए कंपाउंड, तो जो फेरोफेरी साइनाइड होता है, एक तो होता है फेरी फेरोसाइनाइड, इसमें काउंटर आयन तो होता है प्लस थ्री में, और कॉम्प्लेक्स वाला आयन होता है प्लस टू में, तो ये आपस में मिलके बनाएंगे Fe4 FeCN6। तो ये तो होता है पर्शियन ब्लू कलर का, पर्शियन ब्लू। एक होता है फेरो फेरी साइनाइड, फेरो फेरी साइनाइड में ये तो होता है प्लस टू में, और जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है वो आपका होता है प्लस थ्री में। तो यहां पे चार्ज क्रॉस कर दो तो Fe3 FeCN6 ये आपका टू। तो फेरी फेरोसाइनाइड ये होता है आपका ट्रांस बुलबुलिकुलर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। EDTA कंबाइन विद केटाइन टू फॉर्म, केटाइन का मतलब यहां सेंट्रल मेटल आयन की बात कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ देखो ये क्या करता है, ये आपका EDTA हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी बना रहे हैं, हो गया नहीं हुआ भाई, इधर भी बढ़ाना पड़ेगा ना। अब हो गया, ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई है, ऐसे ही ये फाइव रिंग बनाता है टोटल। कहने का मतलब इस फिनोमिना को कहते हैं किलेशन, तो आपका किलेट फॉर्म करेगा ये, क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। अमोनिया फॉर्म टू द कॉम्प्लेक्स, अमोनिया ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, बिल्कुल बनाता है, जिसका कलर डीप ब्लू होता है, ये ध्यान रखना, डीप ब्लू कलर। एल्केलाइल सॉल्यूशन, ये काम होता है एल्केलाइल सॉल्यूशन में, बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन, लेकिन ये काम एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं होता। आप यू देख लीजिए, ये आपका डीप ब्लू कलर का है, लेकिन ये कब है? एल्केलाइन सॉल्यूशन में, बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? आप इस रिएक्शन को यू समझ लिए, ये कॉपर प्लस टू है, पहले मैंने एल्केलाइन सॉल्यूशन ले लिया, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्केलाइन सॉल्यूशन हो गया,
ये हमेशा ध्यान रखो, इट इज एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया ही है उसके एक्वस फॉर्म में, तो अमोनिया एज ए लिगेंड इसमें फ्री पड़ा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा NH3+2 बना दिया ना। लेकिन यही चीज मैं एसिडिक सॉल्यूशन में लेता हूं, जैसे ये अमोनिया इन एसिडिक सॉल्यूशन मतलब HCl के साथ, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा NH4Cl, और NH4Cl आयनिक कंपाउंड है, दैट इज डिसोसिएट इन NH4+ आयन एंड Cl- आयन, और जो NH4+ आयन है इट इज नॉट ए लिगेंड। जब ये लिगेंड ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये रीजन है। तो देखो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये रहा, इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स कोऑर्डिनेट विद अमोनिया मॉलिक्यूल, मतलब कि अमोनिया मॉलिक्यूल के पास जो आपका एसिड है उससे जो प्रोटॉन निकाला गया है वो प्रोटॉन इससे कंबाइन होकर के NH4+ बना लेगा, बिल्कुल। एंड NH3 मॉलिक्यूल आर नॉट अवेलेबल, इसलिए NH3 मॉलिक्यूल अब अवेलेबल नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट अपन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है, मेटल व्हेन मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेटल हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनको ही अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ मेटल खुद डायरेक्टली अटैच होगी, जिसमें इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियली मेटल पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और हाइड्रोकार्बन के कार्बन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो यहां से देखिए, सबसे पहले सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, दैट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है, क्लियर। सिसप्लेटिन होता क्या है, ये रहा आपका प्लेटिनम NH3, तो इसमें कार्बन है ही कहां जुड़ने के लिए, और सिस प्लेटिन का मतलब है ये सिस पोजीशन में रहेंगे, ये NH3, ये NH3 90 के एंगल पे है, और ये Cl भी देखो आपके 90 के एंगल पे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ये तो ये वाला ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो नॉट कंसिडर एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, किसको नहीं कर सकते, फर्स्ट को नहीं कर सकते। अब आपको हो गया सेकंड वाले को कैसे किया, फेरोसिन, तो फेरोसिन में क्या होता है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल जो एनाइन होता है, यह आ गया साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन, राइट। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की सी होगी, क्लियर। दूसरा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन होता है, यह आ गया, ये Fe+2 को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये कार्बन के बीच में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपके जो ये यही तो चलती है ना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो ये पाई बॉन्ड ही काम में आ रहे हैं जो कार्बन के हैं यहाँ पे, इसका मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच मान लो, तो ये तो हो गया। जैसे सॉल्ट की बात करें तो जैसे सॉल्ट के लिए भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे सॉल्ट में क्या होता है आपका, ये आपका क्या हो गया प्लेटिनम हो गया Cl, लेकिन यहां पर इसके साथ कौन अटैच है, इथाइलिन, ये लो -K+, तो ये आ गया ना यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच बॉन्डिंग, जिसमें ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो ये भी हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो गया। ग्रिग्नार रिएजेंट में सोचने की जरूरत ही नहीं है, RMgX दैट इज ग्रिग्नार रिएजेंट, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ जो हाइड्रोकार्बन का कार्बन होगा उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोकार्बन चेन ही तो है, तो आपका ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम गिव्स, पोटास एलम क्या है, दैट इज एलम, एलम क्या होते हैं, एलम इज ए मोनोवेलेंट एंड बाई मोनोवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट सल्फेट आयन इज एलम, मतलब मोनोवेलेंट सल्फेट, ट्राइवेलेंट सल्फेट,
ईच मेटल सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो चार हैं तो 24 सही है, दैट इज एलम। इसी को अपन एलम बोलते हैं, जिसमें चाहे आपका मोनो केटाइन हो, चाहे आपका ये हो, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो गए। ये कितने हैं? दो। ये भी कितने हैं? दो। एनायन क्या है? कितने हैं? चार। तो ये हमेशा 1:1:2 में होंगे, दैट इज एलम। और इनका कंपोजिशन क्या होगा? पहला तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये एलम का कंपोजिशन होगा। क्लियर? तो पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 मोनोवेलेंट सल्फेट, जिसमें KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस डॉट Al2SO43। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये वीक बेस आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये हो गया। एनसीईआरटी में आपके इसको यूं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, वो एक ही चीज है, 1:1:2 आ गया ना। और हर मेटल 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो दो ही मेटल है, तो ये है 6 से सराउंडेड, भर है ना। तो अगर इसको एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे तो पोटेशियम आयन भी देगा, एल्यूमिनियम आयन भी देगा और सल्फेट आयन भी देगा। तो देख लो, ये 1:1:2 में आ रहे हैं ना, तो ये आपका डबल सोल्ट है। मतलब अपनी आइडेंटिटी यूज करें, उन सभी आयनों का टेस्ट दे रहे हैं जिनसे ये बने हैं। तो कितने टाइप के सोल्ट आयन आ गए? 1, 2 और 3, दो प्रकार के केटायन और एक प्रकार का एनायन, टोटल 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ आयन इसमें आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। CH3MI इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू, ये किस वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो भैया ये इस वजह से है, ये जो आपका मैग्नीशियम है, इधर भले ही आयोडीन जुड़ा हो लेकिन इधर की तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ, जिस पर इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, तो कार्बन मेटल बॉन्ड की वजह से ही है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? 3rd इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट IPC नेम बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केटाइन रिटर्न फर्स्ट एंड देन एनायन, इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, इस पे +2 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लो, +4 में है, ये +2 में है। अब केटाइन का पहले लिखेंगे, केटाइन एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम कैसे लिखते हैं? लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का। लिगेंड एक से ज्यादा हो, एक से अधिक प्रकार के हों, तो अल्फाबेट वर्ड काम में लेंगे। तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है क्लोरिडो का, या फिर एमिनो का ए, तो ए पहले आएगा। तो टेट्रा एमिनो अल्फाबेटिकल में जो न्यूमेरिकल वर्ड होते हैं, जो लिगेंड के नंबर को शो किए जाते हैं, वो कभी शामिल नहीं होते हैं। तो टेट्रा टेट्रा एमीन या एमिनो भी बोल सकते हो, टेट्रा एमिनो डाइक्लोरिडो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब तक नाम चलता है स्पेस नहीं आएगा, डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, जब आपका कॉम्प्लेक्स है वो केटाइनिक और न्यूट्रल होता है तो मेटल का कॉमन नेम यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेज साथ में लिख दी, 4th इन रोमन न्यूमर्स, फिर आगे वाले का नाम करो टेट्रा क्लोरिडो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लेटिनेट। ऐसा क्यों हुआ? अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है जैसा कि इसमें है, तो वहां पे क्या किया जाता है? आपका मेटल होती है सेंट्रल मेटल, उसका लेटिन नाम काम में लेंगे और उसके बाद में एट सफिक्स के तौर पर जोड़ दिया जाता है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? टेट्रा एमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4th, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2nd। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? 1st आंसर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज,
तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की बजाय किलेटिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड जितने भी लिगेंड होते हैं हमेशा किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनके उनके कॉम्प्लेक्स में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये तो एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, इसको ठीक कर लेना कॉम्प्लेक्स को। यहां पे आ जाएगा, क्लियर। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, बात आ गई क्या समझ में? और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है इस वजह से यहां पे क्या होगा आपका, ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स हो गया तो लेस स्टेबल हो गया, बाकी सारे किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे कैसे हैं, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। तो यहां से आ जाइएगा, ये किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है तो बाइडेंटेड है, तो जितनी डेंटिसिटी होती है उससे एक कम की रिंग बनाएंगे, तो बाइडेंटेड है, तो बाइडेंटेड है तो डेंटिसिटी दो है तो रिंग बनाएगा एक, ऐसे कितने हैं, तीन है, तो टोटल तीन रिंग बनने वाली है। ये भी बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड कितनी रिंग बनाता है, एक, ऐसे कितने हैं, दो, तो यहां पर दो रिंग बनने वाली है। ईडीटीए पेंटाडेंटेड है तो रिंग, हेक्साडेंटेड है तो रिंग बनाएगा पांच, ऐसा एक लिगेंड है तो नंबर ऑफ रिंग हो गई पांच, और इसमें नंबर ऑफ रिंग जीरो है, तो सबसे ज्यादा रिंग इसमें, तो ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका यहां आएगा, क्लियर। फिर आगे देखिए, आईपीएसी नेम करना है आपको यहां पे, तो आईपीएसी नेम कर दो। देखो ये आपका क्या है, इसको या तो नाइट्रो ओ लिखो या नाइट्राइटो लिखो, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड डोनर साइट शो करनी जरूरी होगी, तो इसका नाम लिखें पेंटाएमीन या तो इसको नाइट्राइटो कर दो, अगर नाइट्रो की फॉर्म में लिखते तो नाइट्रो ओ लिखना पड़ेगा। फिर कैटायनिक है तो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है इसकी, थ्री। काउंट्राइन की नंबर शो नहीं करते हैं तो क्लोराइड, ये काउंट्राइन है, ये याद रखना, कहने का मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां लगने वाला है, ठीक है। तो पेंटा एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हो जाएगा, ये नाइट्रो है, नाइट्रो होता तो नाइट्रो ओ करना पड़ता, बात आ गई समझ में, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड। अब आपको आईपीएसी नेम दिया, उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाना है, तो आईपीएसी नेम से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाते हैं, तो केटाइन पहले और एनाइन बाद में, तो यहाँ पे तो केटाइन और एनाइन क्या, ये न्यूट्रल स्पीसीज है और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही है पूरा, तो स्क्वायर ब्रेकेट चालू। सबसे पहले मेटल, मेटल फॉलोड बाय लिगेंड, उल्टा हो जाएगा उससे, आईपीएसी में क्या होता है, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल, यहां पे उल्टा हो जाएगा, मेटल फॉलोड बाय लिगेंड था वहां, अभी अभी यहां, वहां लिगेंड फॉलोड बाय मेटल था, वो होगा मेटल फॉलोड बाय लिगेंड, पहले मेटल आएगी, मेटल ढूंढो पहले, कॉपर है, कॉपर, लिगेंड डाइक्लोरो सीएल टू, बिस मतलब दो है, और यूरिया, तो यूरिया क्या होता है, एन एच टू सी ओ एन एच टू, तो आप इसको यूं भी तो बोल सकते हो ना, एन एच टू टू, तो वही कर दिया मैंने इसको, ओ सी एन एच टू टू, ये टू है ही, और ये आ गया, तो कौन सा आंसर हो गया, ये सेकेंड आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लिथियम टेट्रा एल्यूमिना टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखना, तो इसका तो ये होता है फॉर्मूला एल आई ए एल एच फोर, कौन सा हो गया, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्रेट, ये हो गया। नेक्स्ट, यहां पे ये कह रहा है दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, तो यहां पे देखिएगा,
NO2, that is ambidented ligand. कैसे? या तो लोन पेयर नाइट्रोजन दे सकता है या ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन दे रखा है यहां ऑक्सीजन दे रखा है, डोनर साइट बदल ली, इसका मतलब ये आपस में क्या है, लिंकेज आइसोमर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ये सारे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दे रहे वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ए एंड बी, यहाँ पे जो ए एंड बी सिंबल काम पे लिए गए हैं, दैट आर, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड। तो पहला आइए, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें, सेंटर में तो मेटल है, मैं थोड़ा इसको यूं बना देता हूं जल्दी। तो ए ए ए ए, ए, ए। सिर्फ एक ही डिफरेंट लिगेंड, तो इसकी सिस ट्रांसपोसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये ही नहीं देगा। कौन सा नहीं देगा? फर्स्ट। बाकी इसकी बात करूं मैं तो, इस वाले की बात करूं तो ये यूं हो सकता है, ए ए सिस आइसोमर हो गए ना, बी 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 बी, तो ये तो हो गया सिस। ए ए ए की डायरेक्शन में 90 के एंगल पे, ये ऊपर है, ये यू है 90 के एंगल पे। दूसरा अगर इसका बनाना चाहे तो ए और ए को कहां रख दूं अब मैं, ट्रांसफर रख दूं, तो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो ये तो दो जी ही देगा, एक सिस और एक ट्रांस। इसकी बात करूं थर्ड वाले की, यहां से देख लो, ये थर्ड वाला है, क्लियर, इसको मैं यूं कर देता हूं, ए ए ए, तीनों ए ए की डायरेक्शन में हो गए, ए की फेस पे आ गए, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं, बी बी बी, ये ए की फेस पे अलग अपोजिट इससे, तो ये आपस में कैसे हो गए, फेस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही एक टाइप है ये। नेक्स्ट बात करें अपन, सपोज करो ये ए ने अपनी पोजीशन बदली, एक लिगेंड ने, ये यहां आ गया, ठीक है, तो इसका फेस तो यहीं रह गया ना, ऐसे ही बी ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये बी है, ये बी है, और यहां वाला बी आपका यहां आ गया, तो बी ने भी अपनी पोजीशन बदल ली, तो देखो अलग फेस पे चले गए ना, सेम लिगेंड, तो इसको बोलेंगे मेरिडायनल, मर आइसोमर, मेरिडायनल आइसोमर। तो ये भी कितने देगा, ये वाला दो जी आई, एक फेस और एक मर, और ये तो सेम ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी दो जी आई देगा। कौन सा नहीं दे रहा आपका, फर्स्ट वाला नहीं दे रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच वुड एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, कौन सा है जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दे सकता है। आयनाइजेशन आइसोमर क्या है, एक प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, जिसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच आपका आयन एक्सचेंज होता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई आयन है नहीं जिसके साथ ये एक्सचेंज हो सके, तो ये तो नहीं देगा। यहां पे सल्फेट अंदर ब्रोमाइड बाहर, ये दे सकता है। बात आ गई क्या समझ में, कैसे? देखो इसमें BaCl2 मिलाओ तो आयनाइजेशन स्फीयर का ही आयनाइजेशन होता है, बाकी किसी का नहीं होता, तो बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। लेकिन इसमें AgNO3 मिलाओ तो कुछ नहीं होगा। अब इसका दूसरा कैसे हो सकता है, कुछ इस तरीके से होगा वो, अब सल्फेट अंदर आ जाएगा और ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। अब ऐसे में अगर BaCl2 मिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर अगर AgNO3 मिलाओगे, यहां पे अगर आप क्या मिलाते हो, AgNO3, तो ये AgBr बन जाएगा, यहां से येलो पीपीटी आ जाएगी, तो ये आपका आयनाइजेशन आइसोमर दे सकता है। ये भी नहीं देगा, बार आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है दोनों में, तो ये दो भी नहीं देंगे। नेक्स्ट,
पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक है किस वजह से, देखो तो आपका ये वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा है, वीक फील्ड है लिगेंड, इट मींस पेयरिंग नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। टाइटेनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेज में है, प्लस टू, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ गया है, ऑर्गन स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2 4S0, ये तो होगा ना, तो टाइटेनियम 3D2 CFT के अकॉर्डिंग देखें, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में कुछ इस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है, EG ऊपर T2G नीचे, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना तो बेस्ट वे CFT, अगर आंसर तक जल्दी पहुंचना है तो दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो 1 2, तो यहां से बाहर दो, अंदर के दो डी खाली पड़े हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका D2SP3 आ जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो कितने हैं, दो, तो ये पैरामैग्नेटिक है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक पेयर्स शो आयनाइजेशन आइसोमर, कौन से हैं जो आयनाइजेशन आइसोमर शो कर रहे हैं, तो ये देखो ये दो कोऑर्डिनेशन पेयर है, तो इनके बीच क्या हुआ, साइनाइड इधर आ गए और अमोनिया इधर चले गए, जब दो कोऑर्डिनेशन पेयर के बीच में क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज होते हैं, तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो ये आपस में देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, यहां पे देखें वाटर का मॉलिक्यूल एक भी नहीं है, इसमें क्या हुआ, एक आयन अंदर आ गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया इंटरस्टेशियल स्पेयर में, जिसको कहते हैं अंतराकाश मंडल, तो इंटरस्टेशियल स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच अगर लिगेंड एक्सचेंज, सॉरी H2O लिगेंड एक्सचेंज होता है इंटरस्टेशियल स्पेयर अंतराकाश मंडल में, सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल ही ऐसा है जो जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता भाई। और एक चीज और गांठ बांध लो, बिना आयनाइजेशन स्पेयर के इंटरस्टेशियल स्पेयर पॉसिबल नहीं है, मतलब बिना आयनन मंडल के अंतराकाश मंडल संभव नहीं है, तो कहने का मतलब ये आपस में हाइड्रेटेड या आपके सोलवेट आइसोमर, ये आपस में कैसे है, हाइड्रेटेड या फिर आपके हाइड्रेट या सोलवेटेड आइसोमर है, तो ये भी आपस में आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। यहाँ पे देखा जाए Cl है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ गए, तो ये तो आइसोमर लग ही नहीं रही, लेकिन एक आइसोमरिज्म और होती है, इसमें प्लेटिनम कितना है, एक, अमोनिया कितना है, दो, क्लोरीन कितना है, एक, तो प्लेटिनम अमोनिया यहाँ पे 2 आएगा भाई, बैलेंस कर लेना ठीक है, तो प्लेटिनम अमोनिया और Cl क्या रेशियो हो गया, अच्छा Cl2 है ना, तो 2:1:2:2, इधर देखिएगा प्लेटिनम अमोनिया और क्लोरीन, प्लेटिनम कितने हैं 2, अमोनिया कितने हैं 4, क्लोरीडो कितने हैं 4, तो रेशियो क्या आ गया 1:2:2, तो ये लो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट, दे आर पॉलीमेरिक आइसोमर्स, हालांकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फिर भी पोलराइजेशन आइसोमर है, क्लियर। यहाँ पे देखो ब्रोमाइड बाहर चला गया और सल्फेट अंदर आ गया, यहाँ पे सल्फेट बाहर था, अब सल्फेट जैसे अंदर आ गया, ये आयनाइजेशन आइसोमर है, ये तो वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो ब्रोमाइड आयन देगा और ये जब वाटर में डिजोल्व होगा तो सल्फेट आयन देगा, सो दीज आइसोमर्स आर रिलेटेड बाई आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है, ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म के द्वारा आपस में रिलेटेड है दोनों आइसोमर, तो ये कैसे है आयनाइजेशन आइसोमर, राइट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म इज कॉज बाई द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे देता है, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं जिनके बीच लिगेंड एक्सचेंज होते हैं, जैसा कि अभी पीछे वाले में एग्जांपल देखा था, तो कॉम्प्लेक्स केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन के बीच लिगेंड इंटरचेंज होंगे, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसका है, आगे देखते हैं, यहां पे क्रोमियम किसमें है +3 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3D3 4S0, तो 3D3 को लिखें अपन CFT से, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो EG T2G पेयरिंग होगी नहीं, 1 2 3,
अब अंदर दो खाली पड़े हैं तो D2SP3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तीन, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है थ्री। क्लियर। Fe भी यहां प्लस टू में है, Fe प्लस टू का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखे तो ऑर्गन, और ये आ जाएगा 3d6 आ गया। अब आपको पता है T2g और Eg ऑक्टाइडल में कुछ ऐसा ही होगा, ये Eg और ये आपका क्या है T2g है, तो 6 पेयरिंग होगी, नहीं वीक फील्ड लिगेंड है तो 3, 4, 5 अब पेयरिंग होगी सबको एक एक मिलने के बाद में, फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नेक्स्ट बात करें कॉपर प्लस टू आयन की, कॉपर प्लस टू आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो ये क्या होगा, आर्गन 3d9। तो यहां पे देखो स्प्लिटिंग कर दो, T2g और वीक फिल लिगेंड है H2O, तो पेयरिंग नहीं होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब बाहरी एडजस्ट होना पड़ेगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। जिंक ये प्लस टू में है तो इसका तो कॉन्फिगरेशन 3d10 हो गया, तो इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वैसे वीक फील्ड है, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो आपको पता है पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है म्यू, और म्यू क्या होता है आपको पता है, n n+2 बोर मैग्नेटॉन, कहने का मतलब सीधे सीधे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर मैग्नेटिक मोमेंटम बढ़ता है, और मैग्नेटिक मोमेंटम बढ़ने का मतलब है उसकी पैरामैग्नेटिज्म बढ़ जाएगी, तो आपका कौन सा हो गया मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, सेकंड आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिग्लर नाटा कैटलिस्ट, लर्न करना है आपको जिग्लर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला, ये रहा ये जिग्लर नाटा कैटलिस्ट है आपका थर्ड, क्लियर। ये तो आपका जैसे सोल्ट हो गया, ये फेरोसिन हो गया, ये विल्कनसन कैटलिस्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट CuSO4 react with KCN solution and forms, तो देखो CuSO4 कहने का मतलब कॉपर प्लस टू आयन है, तो इसका रिएक्शन इसके इसके से कंपैरिजन करवा देते हैं, AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन पर दोनों पर ही जब KCN का अटैक करवाते हैं ना, तो ऊपर वाला तो बनाता है K3CuCN4, मतलब ये प्लस वन में आ जाता है, ये आपका बनाता है K2CdCN4, ये प्लस टू में ही रहता है, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूटेगा, तो ये तो H2S के साथ कोई PPT नहीं देता है, लेकिन इस पर H2S मिलाएंगे तो ये आपका क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है, इसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट कम है, ये डिसोसिएट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी, और फिर ये केडमियम प्लस टू आयन देगा और केडमियम सल्फाइड बना लेगा, और केडमियम सल्फाइड का मतलब आपका यहाँ पे येलो PPT आ जाएगी। खैर मेरे को नीचे वाले से मतलब नहीं, ये कह रहा था कि कॉपर सल्फेट पे अगर KCN मिलाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ आंसर, क्लियर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन एंटी कैंसर स्पीसीज, बताया था पहले सिस्प्लेटिन, ये रहा सिस आइसोमर सिस्प्लेटिन फर्स्ट। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, EN इथाइलिन डाइएमिन है, आपको पता है इथाइलिन डाइएमिन एक सिमेट्रिकल आइसोमर है, लिगेंड है सॉरी, ये क्या है एक सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये रहा क्लियर। तो देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मैं बता देता हूं आपको, बाइडेंटेड लिगेंडो की बात करेंगे सिर्फ, ऑप्टिकल आइसोमर बाइडेंटेड में, इसे ही पूछेगा नीट में पूछेगा, तो आइए अगर तीनों के तीनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंडो, मैं यहां पे ए यू लिखता हूं, इसका मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये आपका क्या है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और अगर मैं यू लिखता हूं ए बी,
तो ये आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका क्या है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और मोनोडेंटेड आपके ए बी सीधे लिखे जाते हैं विदाउट ब्रैकेट के, याद रखना बाइडेंटेड लिगेंड ऑलवेज चेंज ऑन सिस पोजिशन, वो सिर्फ सिस पोजिशन पे बदले जा सकते हैं, दे आर नॉट कंबाइन एट ट्रांसपोजिशन, वो कभी ट्रांसपोजिशन पे कंबाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ओआई देता है, दो ओआई देगा, याद रखिएगा, क्यों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करे। फिर बात करता हूं, अगर इसकी जगह ये आ जाए ए ए टू सी एल टू या बी टू बी टू, तो ये दो जी आई देता है, एक सिस और एक ट्रांस, तो हमेशा ध्यान रखना ऑल्सो ओआई, सिर्फ सिस वाला ही ओआई देता है, ट्रांस वाला ओआई नहीं देता, ये इसका मतलब ये नहीं ट्रांस नहीं देता, ट्रांस वाला ओआई नहीं देता, ये ध्यान रखना है। फिर एक ये आ गया आपका एम ए ए बी टू सी टू, इसके भी एक सिस होती है दो ट्रांस होती हैं, ट्रांस वाला कभी भी ओआई नहीं देगा और सिस वाला ऑल्सो शो ओआई, ये ओआई भी देगा। फिर बात करता हूं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो तीनों ही, तो ये दो जीआई देगा, एक सिस और एक ट्रांस, ऑल्सो ओआई, सिस वाला ओआई देता है और इसका तो ट्रांस भी ओआई देता है, ये लो भाई ओआई, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, गारंटी अपनी। अब देखिए इधर आओ, इसकी बात करता हूं सिस, तो ये तो देखो स्क्वायर प्लेनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार वालों में टेट्राहेड्रल ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, वो भी कब, या तो दोनों के दोनों लिगेंड इनसिमेट्रिकल हो और बाइडेंटेड हो, इनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो दोनों लिगेंड, या फिर चारों लिगेंड अलग हो, तो मतलब कीरेलिटी होना जरूरी है। फिर आता है ट्रांस, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, ये तो हो गई मेटल ईएन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, कितने हैं दो बी टू, तो ये वाला है ना, ये सिस वाला ही देता है, ट्रांस वाला देता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। फिर यही बात करी इसकी सिस और इसकी ट्रांस देती, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, चार वाला देता ही नहीं है, और सेम कॉम्प्लेक्स यही वापस दे दिया लेकिन इसका ट्रांस नहीं, सिस आइसोमर पूछा है ये रहा, और इसका सिस आइसोमर ऑल्सो ओआई ओआई देता है। ये पेज इंपोर्टेंट है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो आइसोमर्स कोई से भी हो, स्ट्रक्चरल हो ऑप्टिकल हो, कहने का मतलब स्ट्रक्चरल हो या स्टीरियो हो, दोनों काउंट करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करता हूं, ये मेटल है ए टू बी सी, कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है डीएसपी टू, तो ये आपका सिर्फ एक सिस और एक ट्रांस दो ही जीआई दे सकता है, कैसे, स्क्वायर प्लेनर तो ये होगा ए ए बी सी, बी और सी सिस में है, नेक्स्ट में ए ए बी और सी ट्रांस पे चले गए, या ये मान लो ए ए सिस पे है, ए ए कहां चले गए ट्रांस पे, तो इसके टोटल दो आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल वगैरह ये देगा नहीं, स्ट्रक्चरल वगैरह ये कोई सी देता नहीं है, ना तो आयनाइजेशन देगा, काउंट ट्राइन नहीं है बाहर, हाइड्रेट नहीं दे सकता, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, लिंकेज नहीं दे सकता, एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं दे सकता, दो कोऑर्डिनेशन नहीं है, दो कोऑर्डिनेशन इस पर नहीं है। इसकी बात करें, ये आपका आयनाइजेशन नहीं दे सकता, हाइड्रेट नहीं दे सकता, लिंकेज नहीं दे सकता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता, क्लियर। फिर ज्योमेट्रिकल, तो एम ए फाइव बी टाइप का ये ज्योमेट्रिकल भी नहीं देता, तो ये तो देगा ही नहीं है, तो जीरो देगा। फिर इसकी बात करूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका है डी टू एस पी थ्री, क्लियर। ऑक्टाहेड्रल किस टाइप का है, एम ए फोर बी टू, तो ये ओ आई तो देते नहीं है लेकिन ये जी आई देते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, तो ये दो देगा, ओ आई ये दे नहीं सकता,
आयनाइजेशन स्पेयर नहीं है तो आयनाइजेशन भी नहीं देगा, विदाउट आयनाइजेशन स्पेयर के वाटर का मॉलिक्यूल जाता नहीं और वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास है भी नहीं, हाइड्रेट भी नहीं देगा, एम्बिडेंटेड नहीं है लिगेंड भी नहीं देगा, एम्बिडेंटेड नहीं है तो लिंकेज भी नहीं देगा, कोऑर्डिनेशन दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर चाहिए तो ये दो ही देगा टोटल इसके पास आइए। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका बना लेते हैं अपन एक बार, इसको बना के देखिएगा, ये तो आपका सेंटर में आ जाएगा कोबाल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये सारे, ये आपकी ई एन जुड़ गई यहां पे, ये ई एन जुड़ गई सिस पे, तो सी एल सी एल ये सिस आइसोमर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ई एन ई एन सी एल सी एल, तो ये आपस में कैसे होंगे ओ आई, तो एक दो, क्लियर। इसका ट्रांस भी पॉसिबल है क्या, देख लो ई एन ई एन सी एल सी एल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये रही, तो ये ओ आई नहीं देता, इसका मीजो ही आएगा, तो ये तो रहा सिस, ये रहा ट्रांस, तो दो तो दे रहा है जी आई और ये दो दे रहा है ओ आई, जी आई दो ओ आई दो, लेकिन टोटल कितनी होंगी, टोटल पूछे तो वन टू थ्री, अब आपको okay, टोटल तो दो और दो चार होनी चाहिए थी, तो ये एक स्ट्रक्चर कॉमन है, एक और दो जी आई एक और दो ओ आई, तो ये जी आई में भी काउंट हो रही है, ओ आई में तो एक बार ही काउंट करना है इसको, तो टोटल कितनी हो गई तीन सॉरी, तो ये कितने आइसोमर देता है तीन, तो सबसे ज्यादा आइसोमर फोर्थ के। नेक्स्ट मिक्सर, दो कॉम्प्लेक्स हैं कोबाल्ट NH3 5 SO4 Br, इसमें मिक्स कर रहा है कोबाल्ट NH3 5 Br SO4, इसके 0.02 मोल और इसके 0.02 मोल को मिक्स करके टोटल सॉल्यूशन बना रहा है 2 लीटर, तो 2 लीटर में इसके भी 0.02 मोल है और इसके भी 0.02 मोल है। अब कह रहा है इसके 1 लीटर मिक्सर में AgNO3 मिला दिया, तो AgNO3 के साथ ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, AgNO3 के साथ ये रिएक्शन करेगा, लेकिन इसका 1 लीटर लिया है, 1 लीटर लिया है तो वॉल्यूम क्या कर दिया, जस्ट हाफ कर दिया, तो 2 लीटर में इसके 0.02 मोल है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, इस कॉम्प्लेक्स का 0.01 मोल ही होगा, और अगर ये 1 मोल आता तो 1 ब्रोमाइड देता है, अगर 0.01 मोल है तो ये 0.01 मोल ही ब्रोमाइड आयन देगा, तो जो AgBr बनेगा वो भी 0.01 मोल ही बनेगा। वैसे इसका 1 मोल मिक्सर लिया है 1 लीटर, और 1 लीटर लिया है तो 1 मोल में 1 सल्फेट आयन है, तो 1 लीटर में कितने मोल हो गए इसके, 2 लीटर में 0.02 मोल है, तो 1 लीटर में मोल कितने हो गए, सिर्फ 0.01, आधे हो गए मोल भी। अब 1 मोल 1 सल्फेट देता है तो 0.01 मोल कितना देंगे, 0.01 मोल सल्फेट देंगे, तो अगर इसमें एक्सेस BaCl2 मिलाओगे तो 0.01 मोल ही BaSO4 बनेगा, क्योंकि बनने वाला इसके अनुसार बनेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लियर। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाई, ये तो आपका होगा AgBr जो कि 0.01 मोल होगा, ये होगा बेरियम सल्फेट, ये भी 0.01 मोल ही होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन इन द विजिबल रेजिन, देखिएगा ये डी है, जब लिगेंड आते हैं तो ये स्प्लिटिंग कर जाता है, वीक फील्ड आते हैं तो स्प्लिटिंग कम होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती। स्प्लिटिंग क्या है, इनके बीच का एनर्जी गैप ही तो है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ले जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ये तो कम एनर्जी का लाइट लेगा,
ये ज्यादा एनर्जी का लाइट लेगा। और आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन लेमडा, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा। तो जहां ज्यादा एनर्जी की लाइट ले रहा है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी ले रहा है तो वेवलेंथ कम ही आओगी, यहाँ कम एनर्जी ले रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन ऑब्जर्व करने का मतलब है लिगेंड वीक होना चाहिए। तो तीन प्रकार के लिगेंड दिए आपको, NO2, NH3 और आपका H2O। तो सबसे वीक लिगेंड तो है ये, क्लियर, फिर इससे वीक ये, इससे स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्ग है लिगेंड ये। अगर स्ट्रेंथ की बात करो, स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे वीक लिगेंड तो है H2O, इससे स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, और इससे भी स्ट्रॉन्ग है NO2- नाइट्रेट आयन, यहां पे नाइट्रोजन दे लोन पेयर तो ही, क्लियर। अब यहां पे देखो तो ये ज्यादा एनर्जी का फोटोन लेगा क्योंकि ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, ये कम एनर्जी का लेगा, और ये सबसे कम एनर्जी का, जहां एनर्जी कम होगी वहां वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो लेमडा का ऑर्डर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा लेमडा H2O वाले कॉम्प्लेक्स में, फिर अमोनिया वाले में, फिर NO2 वाले। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिपल ई में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमर, कौन से हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर दे सकते हैं। तो ये तो किस टाइप का है, MA4B2 मोनोडेंटेड वाले हैं, ये तो देगा ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल सिस, MAA2B2 ये सिस वाला बिल्कुल ओआई देता है, ये देगा लेकिन वो नहीं दे रहा, दोनों पेयर देने चाहिए। यहां पे आ जाइए, ये बिल्कुल देगा, किस टाइप का है ये, MAA3 वाले हैं, ये तो देंगे ही देंगे, और ये आपका MAA2B2 है और इसका सिस वाला देता है तो ये भी देगा, तो ये देंगे, दोनों देंगे। यहां पे, यहां पे देखा जाए Cl डाइईन, तो यहां पे ये तो दे देगा लेकिन ये नहीं देगा, क्यों, टेट्राहेड्रल हो गया ये, टेट्राहेड्रल कभी भी ओआई नहीं देंगे जब तक चारों लिगेंड अलग नहीं हो जाते। यहां जाओ NH3, एक मिनट, डाई इन ट्राइडेंटेड लिगेंड है ये, तो स्क्वायर प्लेनर DSP2 ये भी नहीं दे सकता। अब यहां जाओ MA3B3, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं देगा। ये वाला MAA2B2 सिस वाला ये दे देगा लेकिन पेयर थोड़ा ही देगा, ये तो दे ही नहीं रहा, यही तो दे रहा है इसमें से, तो आपका ये सिर्फ सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट, विच काइंड इज आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको पहले तो कॉम्प्लेक्स को ठीक कर लो भाई, ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट CO4Br2Cl2, तो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म दे सकता है, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये बनेगा CO4Br2Cl2। तो एक तो देखो Cl अंदर आ जाए, Br बाहर चला जाए, तो एक तो आयनाइजेशन देगा, दूसरा ये MA4B2 टाइप का है तो ये GI देगा, कितनी, दो, एक सिस और एक ट्रांस, तो एक तो जियोमेट्रिकल दे सकता है और एक आयनाइजेशन दे सकता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, पोटेशियम एल्केलाई मेटल मोर रिएक्टिव होती है क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ये वायु की प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में आएंगी तो सेल्फ बर्न होने लग जाती है, तो ऐसे में इनको केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इनमें डुबो के रखा जाता है। लिथियम भी रिएक्टिव है लेकिन इसको कागज में लपेट के रखेंगे या पैराफिन वैक्स में क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है तो केरोसिन वगैरह के ऊपर फ्लोट होने लगती है। बाकी इन तीनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देने वाले, तो केरोसिन में डुबो के रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला कह रहा है केटायन इज लेस स्टेबल देन द एटम, तो केटायन तो लेस नहीं, ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इनको। केटायन इज स्मॉलर देन द एटम, बिल्कुल केटायन इनका छोटा होता है एटम से, सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच इज एन ऑर ऑफ पोटेशियम, कौन सा है जो पोटेशियम का ओर है। पहला कह रहा है कार्नेलाइट, बिल्कुल KCl
MgCl2.6H2। क्राइलाइट, ये तो आपको पता है Na3AlF6, ये एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइड Al2O3.2H2, आपको पता है ये भी एल्यूमिनियम का है। डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का हो गया, तो आपका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू लिथियम सोडियम रिएक्ट्स क्विकली विद वाटर बिकॉज सोडियम ज्यादा मोर रिएक्टिव है किससे, लिथियम से, ऐसा क्यों? तो लिथियम से लार्ज साइज है सोडियम की, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, तो वो आसानी से उनको निकाल देगा, इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो आपका सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये याद रखो। तो ये रहा, इट इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लियर? तो आपका कौन सा आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज, तो याद रखो बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो होती है एल्केलाई मेटल्स में वो नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी। रीजन क्या है, नीचे जाने पर इनकी लैटिस एनर्जी शार्पली डिक्रीज होती है जबकि हाइड्रेशन एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होती है, तो ऐसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्लियर? और यही रीजन है कि सोडियम जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो मोर सोल्यूबल है सोडियम बाइकार्बोनेट से, इसलिए इसको सॉल्वे प्रोसेस से नहीं बना सकते। नेक्स्ट, ये थर्मली स्टेबल होता है सोडियम कार्बोनेट, एक तो सोडियम के, एक पोटेशियम के, एक रूबीडियम के, एक सीजियम के, इनके कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्राइड, फॉस्फेट, ये थर्मली स्टेबल होते हैं, ये टूटते नहीं है, तो कोई गैस नहीं निकलेगी। नेक्स्ट, विच एल्कलाई मेटल इज मोस्ट मेटेलिक इन करेक्टर, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी हो वो मोस्ट मेटेलिक करेक्टर लिखाती है। रीजन है, जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जिसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो सीजियम। नेक्स्ट, केएफ कंबाइन होता है एचएफ टू केएचएफ टू फॉर्म, तो ये कंपाउंड कौन सी स्पीसीज रखता है, तो ये आयनों में इस प्रकार टूटेगा, के प्लस प्लस एच एफ टू माइनस। अब आपको ये कैसे स्टेबल होगा, तो एफ माइनस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, एच बॉन्ड के द्वारा ये स्टेबल हो जाता है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अभी देखा था सोल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट, ए सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव्स CO2, एक सॉलिड कंपाउंड एक्स है वो हीट करने पर CO2 देता है, तो ये तो थर्मली स्टेबल है, अभी बताया था ये तो दे नहीं सकते, क्लियर? अब या तो आप एक्स इसको मान लो या आप एक्स इसको मान लो, क्लियर? सपोज करो मैं एक्स इसको मानता हूं, पहले ये कह रहा है इसको हीट करेंगे तो CO2 गैस देता है, तो पहली बात तो इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 देगा, सपोज करो और हीट दे दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा और CO2 दे देगा। अब कह रहा है ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 द रेजिड्यू मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म वाई, अगर इसको वाटर के साथ जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू जो शेष बचता है उससे रेजिड्यू के साथ H2O मिला दो तो वाई बनाता है, तो बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो कि वाइट है। इसमें एक्सेस CO2 पास करते हैं तो CO2 पास करो तो ये CaCO3 प्लस H2O बनाएगा, लेकिन अगला बोल रहा है एक्सेस CO2 तो फिर से CO2 पास करो तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना देता है, तो ये तो कह रहा है ना एक क्लियर सॉल्यूशन, तो जेड बन गया। अब कह रहा है अगर इसको वापस हीट करते हैं तो ए बन जाता है, एक्स बन जाता है, तो इसको वापस हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, माइनस H2O निकल जाती है और CO2, तो आपका ये तो बना ही नहीं वापस एक्स, तो ये भी नहीं है, अब बच गया आपके पास ये। अगर इसकी बात करूं तो सपोज करो एक्स ये, तो इसको जैसे मैं हीट करूंगा तो आपका सीधा ये बनेगा, वाई बन जाएगा, ये बनेगा, और जैसे ही गर्म करेंगे वापस से CO3 वापस से एक्स बन जाएगा, तो आपका कौन सा हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है CaSO4.2H2O, अगर इसको 120 के आसपास हीट देते हैं तो यहां से क्या होगा,
3/2 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेट बन जाएगा, दैट इज पीओपी। यही आपका प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा ध्यान रखो, अगर लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो सॉल्युबल है, नहीं तो वो सॉल्युबल नहीं है। तो ये आपका बेरिलियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट हो गया, और ये आपका बेरियम सल्फेट हो गया। तो इधर जा रहे हैं तो क्या होता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही कम हो रही है क्योंकि केटाइन का साइज बढ़ रहा है, लेकिन लैटिस एनर्जी शार्पली स्लाइटली डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन एनर्जी रैपिडली डिक्रीज होती है। तो शुरू में तो क्या होता है, इनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो ये तो है सोल्यूबल। धीरे धीरे लैटिस एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी एकदम से कम हो गई, तो इनके लिए क्या कंडीशन आ गई, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन से, तो ये इनसोल्यूबल हो गए। तो नीचे की तरफ जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी में ज्यादा का डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम सोल्युबल कौन है? बेरिलियम सल्फेट। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें मोर्टार मिक्सर। तो मोर्टार मिक्सर क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होगा, उसके साथ सैंड होगी और वाटर होगा। क्लियर। सीमेंट वगैरह पढ़ लेना, उस वहां मिल जाएंगे आपको। प्योर एनहाइड्रेट MgCl2 बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो हीटिंग ऑफ हाइड्रेट टू रेड हीट इन एन एटमोस्फेरिक ऑफ HCl, मैग्नीशियम को सीधे एटमोस्फेरिक HCl के साथ ड्राई कंडीशन में हीट कर दो। नेक्स्ट, कैल्शियम सॉल्ट गिव्स विच कलर। तो कैल्शियम सॉल्ट में जो कैल्शियम होगा वो देगा फ्लेम टेस्ट। तो जो जलाने पर कलर दें वो फ्लेम टेस्ट होता है, ये सिर्फ एल्कलाई मेटल्स दे सकती हैं, और एल्कलाई अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देगा, नीचे वाली दे देंगे। तो ऐसे ही जो कैल्शियम होता है फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड कलर देता है। क्लियर। जैसे सोडियम गोल्डन येलो देता है, बेरियम एप्पल ग्रीन देता है, याद रख लेना, ये कलर याद रखना है। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वॉटर वेयर एज बेरियम सल्फेट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल। ये कह रहा है ये तो सोल्यूबल है और ये कम सोल्यूबल है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? लैटिस एनर्जी से, और इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी। कहने का मतलब या तो ये कह दो कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसके हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इस वजह से ये कम सोल्यूबल है, या ये कह दो इसकी लैटिस एनर्जी क्या है, कम है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये कम सोल्यूबल है। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो कम सोल्यूबल हो जाएगा, या जिसके हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी वो सोल्यूबल। तो ये रहा, द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसकी लैटिस एनर्जी है वो इसके हाइड्रेशन एनर्जी से क्या है? ज्यादा है, इसलिए सोल्यूबल नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्केलाइन अर्थ मेटल में बढ़ती है? मतलब एटॉमिक नंबर एल्केलाइन अर्थ मेटल में कब बढ़ सकते हैं? डाउन द ग्रुप। तो आपने को ये देखना है कि एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होगा। तो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी तो नीचे जाने पे कम होती है, ये तो गया। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी साइज से उल्टा चलती है, नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर कम होती है, तो एटॉमिक नंबर के साथ वो बढ़ नहीं रही, वो तो डिक्रीज हो रही। हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड है, और आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इनकी अगर अपन इधर जाने पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैटिस एनर्जी होती है वो तो रेपिडली डिक्रीज हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होती है, तो नीचे जाने पर इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तो देखो एटोमिक नंबर भी बढ़ा, 4, 12, 20, 38, 56, और साथ में क्या बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए मेटल एम रेडिली फॉर्म इट्स सल्फेट एम एस, एक मेटल है जो सल्फेट के साथ सल्फेट बनाती है, तो इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप से है, उनकी वैलेंसी प्लस टू होती है, वैसे भी एग्जांपल सारे सेकंड के। क्लियर? ये कैसा होता है आपका, विच इज वाटर सोल्यूबल, ये सोल्यूबल है वाटर में, तो सोल्यूबल या तो बेरिलियम है या मैग्नीशियम होता है। फिर ये ऑक्साइड भी बनाता है एमओ टाइप का, जो कि इनसोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल बेरिलियम के भी होते हैं और मैग्नीशियम के भी होते हैं, थर्मली इनर्ट होते हैं, बिल्कुल इनर्ट। आपको पता है बेरिलियम है, उसको कंसंट्रेट HNO3 में डालते हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, क्यों? HNO3 बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड इनर्ट नेचर का होता है, समझ गए, थर्मली स्टेबल है, इनर्ट है। साथ में ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर है, इट्स फॉर्म इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, ये कह रहा है इसका हाइड्रोक्साइड अगर बने तो चलो ठीक है, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड भी इसके इनसोल्यूबल होते हैं, क्लियर? लेकिन ये कह रहा है विच इज सोल्यूबल इन NaOH, लेकिन ये अगर NaOH में डाल दें तो आपको पता है बेरिलियम क्या होती है, एम्पोटेरिक होती है, तो बेरिलियम अगर इसको मानू तो BeSO4 सोल्यूबल है और ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो ये इसके साथ Na2BeOH4 एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जबकि मैग्नीशियम खुद बेसिक नेचर का है, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा NaOH से, तो वो सोल्यूबल नहीं होगा, बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर की वजह से हो जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बेरिलियम। अच्छा क्वेश्चन आया आईटी में पूछा भाई। फिर आपका पर्शियन ब्लू जो फॉर्म व्हेन, पर्शियन ब्लू कब बनता है, पर्शियन ब्लू के लिए अंदर फेरी फेरोसाइनाइड होना चाहिए, क्लियर? तो फेरोसाइनाइड ये रहा प्लस टू, तो फेरिक सल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो Fe4FeCN6 3, ये पर्शियन ब्लू कलर का होता है, पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अपन बात कर चुके हैं इसके। नेक्स्ट द माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, याद रखो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइपोफॉस्फेट होता है वो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है, फॉर्मूला बेस्ड है, याद करो। नेक्स्ट, एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनमें से एक्सेप्ट निकाल दिया, एक्सेप्शन निकाल दिया बेरिलियम, tend to lose their valence electron readily, they act as, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो आसानी से निकाल देंगे, तो आसानी से निकालने का मतलब ये खुद का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियो ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल की एटॉमिक रेडी नीचे जाने पर बढ़ती है, लेकिन इन्हीं के एक्वस कंडीशन की रेडी नीचे जाने पर कम होती है, रीजन क्या है? अगर लिथियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है और रूबिडियम आयन है, इन्हीं की बात की है ना, तो यहाँ पे साइज बढ़ी हुई है, और आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चलती है साइज, तो इसके हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल कम अटैच होंगे, तो ये ही साइज अगर एक्वस मीडियम में देखी जाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, जो छोटा होता है उसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो ये रहा, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होने का मतलब डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसलिए साइज कम होती जाएगी। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है, परोक्साइड, परोक्साइड क्या होता है, O2-2, तो ये रहा हाइड्रोजन परोक्साइड, तो ये तो मैच हो गया फोर्थ से, सुपरोक्साइड क्या होता है, O2-, तो एल्कलाई मेटल बनाती है सुपरोक्साइड, तो ये रहा K+O2-, तो तीसरा सुपरोक्साइड है, डाइऑक्साइड बोले तो O-2, तो ये रहा पी ब्लॉक वाला, ये आपका क्या बनाता है, डाइऑक्साइड, तो ये आपका हो गया डाइऑक्साइड। सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ये रहा फर्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ईच कार्बन एटम इज एसपी हाइब्रिडाइज, तो लीनियर होगा एसपी हाइब्रिडाइज, तो मैच कौन सा हो गया, फर्स्ट मैच हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम को एयर में, तो देखो फर्स्ट वाले में लिथियम और सेकंड ए के सारे पी ब्लॉक के सारे डी ब्लॉक के सारे मेटल्स, किसको छोड़कर, एस ब्लॉक में से सोडियम पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम,
इनको छोड़ दो। अगर इनको एयर में लेके जाते हैं ना तो ये सिर्फ O2 से रिएक्शन करती है, N2 से रिएक्शन नहीं करती, ये ओनली ऑक्साइड बनेगी। लेकिन बाकी इनके अलावा जो बच गई वो एयर में ले जाने पर, एयर में O2 भी है उससे भी रिएक्शन करेंगे, N2 से भी, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनाएगा, बोथ फॉर्म्ड। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट जी, करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ जैसे सोल्ट। अभी जैसे सोल्ट का मैं बता चुका था, ये रहा करेक्ट फॉर्मूला। नीटा तो आपके पाई डोनर लिगेंड के लिए दिखाया जाता है कि पाई बॉन्ड कितने कार्बन के बीच डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट इनका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो ये रहा NH3 बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, PtCl4, तो इसके पास वीक फिल लिगेंड बट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड। प्लेटिनम के पास वीक फिल लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड बन जाता है, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? DsP2। PCl5 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। PCl3 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 mole ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 1 mole इसका कंपाउंड है, गिव्स 3 moles ऑफ आयन, 3 mole आयन देगा, तो ये दे सकता है 3 mole आयन, तो NH3 5 Cl Cl2। कैसे? एक्वस कंडीशन में लेके जाओ कोबाल्ट NH3 5 Cl प्लस प्लस 2 Cl माइनस, तो एक आयन ये रहा, दो ये रहे, 3 आयन हो गए, सही बात। और AgNO3 के साथ 2 mole AgCl देगा, तो आयनाइजेशन में सिर्फ आयनाइजेशन स्फीयर वाले आयन ही इन्वॉल्व होते हैं, तो AgNO3 मिलाओगे तो ये दोनों क्लोराइड आयनाइज हो जाएंगे, तो 2AgCl बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कौन सा होगा? ये कौन सा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ये तो कतई नहीं हो सकते, इंटरस्टिशियल स्फीयर में कभी जा ही नहीं सकता अमोनिया। नेक्स्ट, दिस सेफ, इसकी सेफ बतानी है, तो आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2, और DsP2 होने का मतलब है स्क्वायर प्लेनर, इज स्क्वायर प्लेनर इन द कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर किस वजह से होता है? तो सोचने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर प्लेनर तो किस वजह से होता है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट, जियोमेट्री बतानी है, तो सबसे पहले निकल वाला देख लो, तो ये स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड की तरह रिएक्ट करेगा, तो निकल यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में है, तो ये बन गया आर्गन 3D8 4H2। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4, तो ये 3D4S 4P, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ये 1 2, तो इनको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग पिल लिगेंड है कार्बोनिल, तो ये तो हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो डायमैग्नेटिक, और यह हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, तो यह तो हो गया टेट्राहेड्रल। इसके पास यह भी स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन यहां पे निकल प्लस 2 में आ गया, निकल किस में आ गया? प्लस 2 में आ गया, प्लस 2 में आते ही क्या हो गया? आर्गन 3D8 4S0, कोऑर्डिनेशन नंबर वही 4 है, तो यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4, ये लो 3D4S 4P, एक ही डी खाली चाहिए था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो क्या करेगा? इसकी पेयरिंग करवा देगा यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2, ये भी डायमैग्नेटिक ही होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो कैसे होंगे? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा यहां पे, ये कॉम्प्लेक्स है K4 Fe CN6, तो काउंटर है इनके और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच तो हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, तो एक तो आयनिक बॉन्ड हो गया, लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो आपका क्या हो गया? Fe साइनाइड इसके साथ कोऑर्डिनेट, इनके बीच ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, तो तीनों बॉन्ड है यहाँ। क्लियर? नेक्स्ट,
विच इज डायमैग्नेटिक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक, देखना है। पहला कह रहा है डी फॉर लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब होता है पेयरिंग करवानी है। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इट मीन्स लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कम होना। जैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन होंगे, लेकिन यहां देखना 1 2 3 अब पेयरिंग हो जाएगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तो ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दो। इसका मतलब ये तो डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। D8 हाई स्पिन बना दो। हाई स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम नहीं होंगे, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी। तो ये T2G और EG 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए दो, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। D6 लो स्पिन लो स्पिन का मतलब पेयरिंग पॉसिबल है, तो करवाओ पेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 0, तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडरिंग H2O एज ए वीक फिल्ड लिगेंड, H2O को एक वीक फिल्ड लिगेंड कंसीडर करना है, देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देखो मैग्नीज प्लस टू में, तो ये क्या हो गया आर्गन 3D5, और वीक फिल्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5 आ गए, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन। ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट कुछ आता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 पॉइंट कुछ आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 2। तो इनमें से यही देखना है किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 निकलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया D4 के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो मतलब पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 ये लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तो फर्स्ट ही आंसर होगा। वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो यहां जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 निकलेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वीक हो जाए स्ट्रॉन्ग हो तो 1 2 3 अनपेयर्ड होंगे इसमें, तो ये भी नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया 5 है 1 2 3 4 5, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। ये कुछ एक बातें थी, 75 क्वेश्चन थे, पेपर आपने दे दिया, आई होप सबका अच्छा हुआ होगा, फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।